चंद्र कुमार, आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर अबाउट टेंसेज। एज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड टू टेंसेज, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, सो वी हैव क्लियर्ड दीज टू टेंसेज। जस्ट इफ यू डिडंट वॉच दैट वीडियोस, प्लीज वॉच दैट वीडियोस, द वीडियोस विल बी गिवन इन टू यू इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यू वॉच देम। आप वो वीडियोस देखें, वो सुने, वो आपके इंफॉर्मेशन में आपको बहुत से हेल्प देगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको ईजी और आसान तरीके से अंडरस्टैंड। हम आज फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, इसके हवाले से हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हमने पास्ट सिंपल कंटिन्यू टेंस में भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ लिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में जो भी स्ट्रक्चर थी वो भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ से भी सेम स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर एक कंपोजिशन होती है, जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें कंपोजिशन होती है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंड सेंटेंस आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है कि मुस्तकबल सादो, और यो जो मुस्तकबल सादो ये सिंपल टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस ये है। इसके हवाले से मैं जो भी उर्दू में सेंटेंस हैं उसको भी ट्रांसलेट करूँगा इजी और सिंपल तरीके के साथ, कैसे आप अपने दिमाग में ला करें विद इन जस्ट टाइम। एक बार हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डाउट क्लियर होगा फ्यूचर सिंपल टेंस का। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू फ्यूचर सिंपल टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द व्हाट्स फ्यूचर सिंपल टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। इट मीन दैट द एक्शन हैपेंस इन फ्यूचर टाइम, एक्शन हैपेंस इन नेक्स्ट कमिंग टाइम, आल्सो नोन एज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। उसका मतलब यही है, एक्शन हो आने वाले वक्त में वो क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो भी स्टेटमेंट होती है, मैं खाना खाता हूं, मैं घूमता हूं, फिरता हूं। पास्ट सिंपल में हमने पढ़ लिया था कि मैंने खाना खाया, वो नाचा, घूमा, गाया, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसी में ही हम पढ़ेंगे कि मैं खाना खाऊँगा, मैं खाना पकाऊँगा, मैं नाचूँगा, मैं गाऊँगा, मैं घूमूँगा, ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। सेमी स्टेटमेंट है, जस्ट के इसकी जो एक्शन है उसका रिएक्शन फ्यूचर में है, एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, इसलिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस इसको भी कंसीडर इसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इफ वी फोकस इफ वी सी द स्ट्रक्चर व्हेन देन वी नीड टू सब्जेक्ट प्लस शल और विल प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंड सेंटेंस। आपको ये डाउट होगा शल और विल ये क्या है। शल कोई भी काम आपको 100% श्योरिटी है वहाँ से आप शल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को श्योरिटी है कि मैं 2021 में मैं ग्रेजुएशन फाइनल करूँगा, कि आई शल फिनिश माय ग्रेजुएशन इन 2021, मैं 2021 में ग्रेजुएशन फिनिश करूँगा, उसके लिए आप शल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा कह सकते हैं मैं डॉक्टर बनूँगा, आई शल बिकम अ डॉक्टर। आपको 100% श्योरिटी है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत की वजह से मैं ज़रूर ये बनूँगा। अगर आपको श्योरिटी नहीं है मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, कोई भी मैं बन सकता हूँ, कोई भी मैं बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर में कोई मैं इस दौर जो ड्यूटीज हैं इसमें से कोई एक मैं बनूँगा, तो इस वहाँ इस स्टेटमेंट से आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम आगे मूव करेंगे। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर हवाले से, सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू ट्रांसलेट इन टू द उर्दू सेंटेंस इन इंग्लिश, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेयर वी नीड, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी ऐसे वर्ब है जो ये एक वर्ब है जो हेल्प करता है सेंटेंस है उसको बनाना। और ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है, शल और विल इट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे इमरान खान एक बड़ा ख्वाब देखेगा, ये सादी जबान में हम ऐसे कहें कि इमरान खान है जो है वो बड़ा ख्वाब देखा होगा, देखेगा इन फ्यूचर में, अभी नहीं वो फ्यूचर में ख्वाब देखेगा। अगर हम सपोज़ बात करें सिंधी सेंटेंस में, इमरान खान एक वो ख्वाब ॾिसंदो, वो ख्वाब कने ॾिसंदो फ्यूचर सिंपल। हम सिंधी इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ पहले स्टूडेंट ने बोला कि सर कुछ सेंटेंस हैं उर्दू वाले, उसको कोशिश करके आप सिंधी भी ट्रायल लैंग्वेज इस्तेमाल करो तो अच्छी और इसी तरीके से हम क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे इंग्लिश, उर्दू और एज़ वेल एज़
ट्राई लैंग्वेज सिंधी को भी इस्तेमाल करके आपको अच्छा सिंपल इस तरीके से समझाएं। जैसे कि इसको हम सिंधी में बात करें, इमरान खान एक वो ख्वाब दिसंदो कदें दिसंदो फ्यूचर में दिसंदो तो पान के सब सब्जेक्ट थे दिनल इमरान खान वो हेयर वी हैव ऑलरेडी वी नीड टू राइट डाउन हेयर इमरान खान क्या देखेगा छा दिसंदो दिसंदो ख्वाब तो पान के थे या फ्यूचर सिंपल टेंस देन वी नीड टू शल अगर हमें श्योरिटी है तो हमें क्या पुट करना कर लेना चाहिए शल पुट कर लेना चाहिए शल लगाएंगे इमरान खान शल क्या इसके बाद वर्ब यही है। अगर आपने पार्ट साहब पीछे वाले वीडियोस नहीं दिखाए तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियोस के देखने के बाद हमें उम्मीद है कि टेंसेस जल्दी से और इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी लॉक कर पाएंगे। ये देखिएगा ये क्या वर्ब है, हमें यहाँ से ज़रूरत है फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इमरान खान शल सी ये देखिएगा क्या एक अ बिग ड्रीम इमरान खान एक बड़ा ख्वाब देखिएगा ये एक बयानी सेंटेंस है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अगर हम इसी सेम सेंटेंस को नेगेटिव बना चाहते हैं इमरान खान एक बड़ा ख्वाब नहीं देखेगा तो हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमें क्या नॉट लगाना पड़ता है। यहाँ से हमें क्या पुट करना पड़ता है इमरान खान शल, इसके बाद यहाँ से पुट क्या करना है नॉट शल नॉट सी अ बिग ड्रीम इमरान खान एक बड़ा ख्वाब नहीं देखेगा नॉट यहाँ से लगाना है। आगे हम मूव करेंगे मैं 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल करूँगा। हम इसी सेम सेंटेंस को सिंधी में बोलना चाहते हैं कि आम 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल कंदस क्या मैं 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल करूंगा। तो ये सिंपल इजी तरीके से आपको क्या फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स में मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, यहाँ से आपको आई पुट करना है। आई के बाद आपको देखना है विल, मतलब हमारे जो चांसेस हैं लेकिन कोविड-19 की वजह से मे बी हमारी ग्रेजुएशन जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है तो इसलिए हमने विल लगाया है। आई विल क्या करूँगा फाइनल करूँगा, आई विल फिनिश ग्रेजुएशन इन 2021 हम 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल करूँगा सिंपल। हम इस अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं सेमी सेंटेंस को तो क्या करें आपको आई जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद आपको क्या नॉट लगाना पड़ेगा आई विल नॉट फिनिश ग्रेजुएशन इन 2021। अगर सेमी सेंटेंस को आप इंटरगेट बनाना चाहते हैं तो क्या करें विल को बाहर निकालें बस विल आई फिनिश ग्रेजुएशन 2021 क्या मैं 2021 में ग्रेजुएशन फिनिश करूंगा छा आऊँ 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल कंदस यो चाहे स्वाली इंटरगेटिव सेंटेंस वेरी इजी। हम आगे मूव करेंगे चंदर अच्छी तरह से पढ़ाएगा चंदर सुठी तरह से पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें सिंधी लैंग्वेज में यही है सिंपल, यहाँ से है यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट सब्जेक्ट आल्सो सिंगल सॉरी है वी डोंट नीड टू फोकस ईदर सिंगल और प्लूरल फ्यूचर सिंपल टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ये आपको बात याद रखना चाहिए ठीक है। चंदर यहाँ से आपको लिखना है चंदर क्या करेगा टीच करेगा तो चंदर के बाद अगर फ्यूचर टेंस है तो हमें क्या पुट करना है विल चंदर विल टीच वेरी वेल चंदर अच्छी तरीके से पढ़ाएगा। चंदर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएगा तो क्या विल के बाद नॉट लगाना है क्या चंदर अच्छी तरीके से पढ़ाएगा विल चंदर टीच वेरी वेल ये आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्या वज़ीर आज़म एड्रेस करेगा क्या वज़ीर आज़म कौम को खिताब करेगा यहाँ से वज़ीर आज़म के बारे में बात की गई वो कभी फ्यूचर में क्या वज़ीर आज़म टमारो सुबह खिताब करेगा जो आने वाला वक्त है सुबह जो फ्यूचर के बारे में बात की विल द PM एड्रेस टू द नेशन बाय टमारो और जस्ट जनरली आप टमारो भी कह सकते हैं कि जो सुबह है वज़ीर आज़म खिताब करेंगे या नहीं तो ये आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या कोविड-19 की वैक्सीन 2021 में मिल जाएगी विल कोविड-19 वैक्सीन विल डिलीवर सॉरी विल कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर इन द ईयर ऑफ 2021 2021 में कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं सिंपल। हम बात आगे बढ़ें चंदर के बाद यह है क्या चंदर खाना पकाएगा हम इसको अगर सबली अच्छी तरीके से बात करें सिंधी सेंटेंस में सिंधी को मैं बोलना चाहता हूँ छा चंदर मानी पचाई दो छा चंदर मानी पचाई दो छाई सवालिया
क्या चंद्र खाना पकाएगा, तो हमें क्या पुट कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं पहले बता चुका, अगर आप किसी भी सेंटेंस को इंटरप्रेट बनाना चाहते हैं तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया होता है, जो भी टेंसेस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसे कि उसके जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वह में उस वहाँ से पुट कर लेना पड़ता है। यहाँ से क्या शल है, शल को हम बाहर निकालेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले जो इनिशियल स्टडी में हम लगाएंगे, जैसे कि हम शल और विल चंद्र खुख मीर, यहाँ से हम शल और विल क्यों लगाया है मैं फिर भी ये बताता हूँ। शल आपको 100% श्योरिटी है वो काम होगा वो काम करेगा तो वहाँ से आप शल लगाएं, आपको श्योरिटी नहीं है चंद्र काम करेगा या नहीं करेगा वो श्योरिटी नहीं है तो वहाँ आप विल भी लगा सकते हैं। बाकी ये नहीं है मतलब प्रीवियसली हम पढ़ते थे आई वी दे आल्सो टेक शल एंड वी यू दे टेक विल, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट है मॉडर्न ग्रामर में, ये सिस्टम प्रीवियस सिस्टम ये ख़त्म किया जा चुका है। हम आगे मूव करेंगे, अगर सेम सेंटेंस को आपको नेगेटिव बना चाहते चाहते मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, शल चंद्र नॉट कुक मील, क्या चंद्र मान खाना नहीं पकाएगा, चा चंदर मानी कौन पचाएं दो, सिंपल वेरी इजी है। ये क्या है इंट्रोगेटिव है, ये सवाल ही है और उसके साथ क्या नेगेटिव भी है, ये नकार या सवाल है लेकिन उसमें क्या है नकार या उसमें यह बोला जाए ये काम क्या ये काम नहीं करेगा, क्या वजीर आजम कौम को खिताब नहीं करेगा, क्या ये प्राइसेस हैं बढ़ रहे हैं ये कम नहीं आ जाएगी, क्या ये जो सुरताल चल रही है ये पीछे बेहतर से नहीं हो जाएगी, ये आप इस स्टेटमेंट को फ्यूचर में जो एक्शन होगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस में है। जैसे हमें हमारे मैं और वो एक साथ पढ़ाई करेंगे, यहाँ हम बात करें मैं और वो ये क्या है दोनों सब्जेक्ट हैं, आई एंड ही ये पुट कर लेना है, आई एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड ही ये क्या है पार्टिसिपल में अगर हम बात करें ये प्रोनाउन है, ये क्या है कंजक्शन है, एंड क्या है कंजक्शन है, विल क्या है ये ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, स्टडी ये वर्ब है वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म स्टडी टुगेदर, चंद्र हम बात करें चंद्र और मनसुख एक साथ पढ़ेगा तो वहाँ से चंद्र एंड मनसुख विल स्टडी टुगेदर, जैसे कि आई एंड ही विल स्टडी टुगेदर, हम मैं और वो एक साथ पढ़ेंगे, क्या मैं और वो एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ विल को बाहर निकाल कर अब विल आई एंड ही स्टडी टुगेदर ये इंटरगेटिव सेंटेंस बनता है। अबू वक्त पे ऑफिस जाएगा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये फ्यूचर में आया जो एक्शन होगा, अबू वक्त पे ऑफिस जाएगा, अबू विल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना है, अबू विल गो टू ऑफिस ऑन टाइम, बात है कि याद रख लेना जब तक कि आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन में डिफ़िकल्ट होगा, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना चाहिए सेंटेंस है उसको पार्ट्स में जो लिटल सेगमेंट्स में उसको ब्रेक करें, उसके ईच पे सेगमेंट पे फोकस करें, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है एक्सटेंड सेंटेंस क्या है, इसकी मदद से आप सेंटेंस है जो उर्दू है या सिंधी में जो भी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा बाबा वक्त ते ऑफिस विंदो, अगर हम सेम सेंटेंस को इंट्रोगेट बनाना चाहते हैं इंट्रोगेट भी बना सकते हैं, हम यहाँ से पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है अबू वक्त पे दफ्तर जाएगा, अबू ये क्या सब्जेक्ट अबू विल गो टू ऑफिस ऑन टाइम, यहाँ ऑन और इन टाइम ये बात याद रख लेना चाहिए, एक ऑन टाइम दूसरा है इन टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई बंदा फिक्स टाइम पे जाता है वहाँ से ऑन टाइम है, आपको 8 बजे पहुँचना चाहिए ऑफिस, वहाँ से क्या हम ऑन टाइम की बात करेंगे, आपको बस 8 के करीब पहुँचना चाहिए वहाँ से हम क्या बात करेंगे इन टाइम मीन्स इन बिटवीन, यू मे रीच अराउंड बिफोर 8 AM या आफ्टर 8 AM, आप 8 के बाद पहुँच जाइए और बाद में पहुँच जाइए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन टाइम मीन्स वो टाइम दिया गया है आपको फिक्स टाइम पे, मतलब 8 बजे आपको किसी न किसी हालत में ज़रूर दफ्तर या ऑफिस पे पहुंचना है क्योंकि काम बहुत है, तो यहाँ ये सेंटेंस ऑन टाइम मीन्स समथिंग दैट इज फिक्स्ड, उसका टाइम का जो रिक्वायरमेंट है जो पीरियड है वो क्या है फिक्स है, इसको 8 बजे अबू को ऑफिस 8 बजे अबू ऑफिस पे पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा, ज़रूर उस टाइम पे जाएगा, ये क्या है फिक्स टाइम दिया गया है, अबू विल गो टू ऑफिस ऑन टाइम, जैसे कि मैं 8 बजे के सी ना किसी हाल से मैं
ट्रेवलिंग करूँगा, आई विल स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन टाइम एट ए एम या एट पी एम, हम वक्त पे ऑन टाइम वक्त पे एट ए एम कोई भी टाइम दिया गया आप टाइम वहाँ से पुट कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ सेंटेंस है, सनम शादी की तकरीबात में नाचेंगी या नाच करेंगी। ये सेंटेंस मतलब हम नाचेगी या नाच करेगी, तो ये इससे भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि भाई नाचेगी एक अलग सेंटेंस है, नाच करेगी तो अलग सेंटेंस है। हम ये कॉमन की बात है, अगर आपको कोई डाउट है तो जस्ट ये समझें कि नाचेगी और नाच करेगी बहुत फ्यूचर सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि रू मानी खाएं दो फ्यूचर सिंपल टेंस। ये क्या है, सनम शादी की तकरीबात में वो नाच करेगी, वो कब तकरीबात, जो तकरीबात अभी नहीं है आने वाले हैं उसी तकरीबात में नाच करेगी। जैसे कि सनम क्या है, सब्जेक्ट है, सनम क्या करेगी या वर्ब यही है, ये क्या है एक्सटेंड, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एक्सटेंड सेंटेंस। ये क्या है, किसी जगह में, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से दिया नहीं है, सिर्फ सॉरी एक्सटेंड सेंटेंस नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया है। सनम यहाँ से पुट कर लेना चाहिए, सनम ये फ्यूचर टेंस है तो हमें क्या पुट कर लेना चाहिए, विल, विल क्योंकि शादी होगी तो डांस करेगी, नहीं होगी तो डांस भी नहीं करेगी। अगर आपको श्योरिटी है वो डांस करे तो आप शल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई डाउट कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सनम विल डांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी नाच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाच को इंग्लिश में कहते हैं डांस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेना चाहिए किसी में शादी की तकरीबात में, सनम विल डांस इन द मैरिज सेरेमनी। क्या है, आज सनम डांस नाचेगी शादी की सेरेमनी में, जो तकरीबात में, सनम विल सॉरी विल सनम डांस इन द मैरिज सेरेमनी। क्या सनम शादी की तकरीबात में नहीं नाचेगी, विल सनम नॉट डांस इन द मैरिज सेरेमनी। सनम शादी के तकरीबा नहीं नाचेगी, नहीं नाच करेगी, सनम विल नॉट डांस इन द मैरिज सेरेमनी। ये आप सेंटेंस इसी से मदद इसकी मदद से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कोविड 19 की जल्द वैक्सीन मिल जाएगी, जैसे कि अभी जो सुरताल है वो ख़राब हो गई है, कि मतलब पेंडेमिक बढ़ स्प्रेड हुआ है, जो मोर देन 40 मिलियन जो केसेस हैं पूरी वर्ल्ड वाइड में रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें 1.1 मिलियन से ज़्यादा फैटलिटी रेट रिपोर्ट किए गए हैं। तो जो पूरी दुनिया है वो कोविड 19 की वैक्सीन की वेट कर रही है, वो कब मिल जाएगी, जो रशिया उसने बनाई है लेकिन वो कब डिलीवर करेगी, वो कब पूरी दुनिया को देगी, उसके लिए ये वो कब मिल जाएगी, एक फ्यूचर में मिल जाएगी, हो सकता है इस साल की आखिर में मिल जाएगी, हो सकता है कि इस जो नेक्स्ट साल है उसकी शुरुआत में मिल जाएगी। तो ये क्या है, फ्यूचर है सिंपल टेंस का है, कोविड 19 की वैक्सीन मिल जाएगी, कोविड 19 की जल्द वैक्सीन मिल जाएगी। यहाँ से सब्जेक्ट क्या है, कोविड 19 ये खुद ही सब्जेक्ट है, वो ही वैक्सीन है, द वैक्सीन ऑफ कोविड 19 विल डिलीवर वेरी सोन। कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगी, डिलीवर देना यार किसी को देना किसी को उसको देना सिंपल है, ये डिलीवर ये क्या वॉब है। इस साल के आखिर में पीस प्राइज कामयाब उम्मीदवारों को दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है इस साल के आखिर में जो भी प्राइज़ विनर हैं, जो भी जिसने भी अच्छा काम मतलब पीस और साइंस की फील्ड में काम किया है उसको नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। जैसे कि तो ये एक वो काम कब होगा, वो काम इस साल के आखिर में होगा, जो दिसंबर में लिस्ट बनती है उसी लिस्ट में जो रॉयल एकेडमी वो नोबेल प्राइज़ देती है। तो यहाँ से इस साल के आखिर में पीस प्राइज़ दिया जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट है पीस प्राइज़ द नोबेल पीस प्राइज़। ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो हमें क्या पुट करना है, विल गिव या विल प्रोवाइड, हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं विल गिव इन द एंड ऑफ दिस मंथ। ये सॉरी हमने मतलब जो नोबेल प्राइज विल गिव टू द विनर ऑफ कैंडिडेट्स इन द एंड ऑफ दिस ईयर। ये एक ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट्स है कि नोबेल प्राइज जो भी विनर कैंडिडेट्स हैं उसको इसको दिया जाएंगे इस साल के आखिर में। सिंपल, द नोबेल प्राइज विल गिव टू द विनर इन द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या इसी साल की आखिर में जो नोबेल प्राइज हैं वो दिए जाएंगे विनर को, विल द नोबेल प्राइज द पीस नोबेल प्राइज विल गिव टू द सॉरी गिव टू द विनर ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एंड ऑफ दिस ईयर। अगर आप इस सेमी सेंटेंस को निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करें, यहाँ से सिर्फ आर नॉट लगाना है।
क्या है नेगेटिव सेंटेंस बनेगा द नोबल पीस प्राइज विल गिव टू द विनर टू द विनर सॉरी हमने यहाँ से गलती की टू द विनर एंड ऑफ दिस ईयर इसी साल की आखिर में नोबल प्राइज जो है वो दिया जाएगा किसको जो विनर है उसको दिया जाएगा ये है स्टेटमेंट सब्जेक्ट शल आर विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल सेंटेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्शन कब फ्यूचर में होगा एक्शन विल हैपन फ्यूचर टाइम शल आर विल आइडेंटिफिकेशन इज ऑब्जेक्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस सो हमें उम्मीद है कि ये मेरी लिटिल एफर्ट्स है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर ये हमारी जो लिटिल एफर्ट्स है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अच्छी लगी है वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें लाइक करें शेयर करें मेरी कोशिश होगी इजी और सिंपल तरीके से इसी किस्म की वीडियोस हम डेली बेसिस पे लेते आते रहेंगे आपके लिए जैसे कि आपको कोई भी आर्टिकल्स है कोई भी उर्दू में सेंटेंस दिया जाए तो उसको कैसे उर्दू में वाले सेंटेंस हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या सिंधी वाले सेंटेंस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उसने बोला था कि सर आप ट्रायलिंगुअल इस्तेमाल करो तो इसलिए मैंने ये इसमें कोशिश किया ट्रायलिंगुअल ट्राई मीन्स थ्री लैंग्वेज हमने यहाँ से इस्तेमाल की है वी हैव यूज्ड ट्रायलिंगुअल इन दिस वीडियोज़ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट आई होप दिस वीडियो विल बी मोर हेल्पफुल टू यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ इट